हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram. Oh,
Govinda, Govinda, Govinda. Govinda, Govinda, Govinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Rakshama Krishna Keshava Krishna Keshava Krishna Keshava Rakshama Ram Radhava Ram Radhava Ram Radhava Pahi Na Ram Radhava Ram Radhava Ram Radhava Pahi Na हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन श्री हरि गोपीनाथ मदन मोहन श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत Zero Pasana Tana Pasara Guna Zero Pasana Tana Pasara Guna Shiva Gopal Bhatta Dhatra Guna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Radhe 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 Shyam Radhe 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 Shyam Jai Jai Shri Vrindavan Jai Jai Shri Vrindavan Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare हमारो धन राधा परम धन राधा हमारो धन राधा हमारो धन राधा परम धन राधा हमारो धन परम धन राधा जीवन धन राधा परम धन राधा जीवन धन राधा
हमारो धन राधा जीवन धन राधा हमारो धन राधा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे श्री गोवर्धन जय श्री गोवर्धन जय राधा व्रज वसन राधा व्रज वसन हरे जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय गौरानी ताय गौरानी ताय गौरानी ताय जय गौरानी ताय जय गौरानी ताय गौरानी ताय गौरानी ताय जय गौरानी ताय जय प्रभु पादा जय प्रभु पादा प्रभु पादा श्री प्रभु पादा जय प्रभु पादा प्रभु पादा प्रभु पादा श्री प्रभु जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय जय गुरुदेवाय हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि शिल प्रभुपाद की जय गौर प्रेमानंदे हरि वेलकम एवरीवन हरि बोल वालों हरि बोल ऋषभ एंड आयशा हरे कृष्णा वेलकम एवरीवन वेलकम नील प्रभु एंड ऋषिका ऑनलाइन एंड वी विल बिगिन अवर टुडेज प्रोग्राम विल रिसाइट द मंगलाचरण प्रेयर व्हिच इज ऑन द स्क्रीन ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुजे देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो
वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वी वेलकम एवरी वन फॉर टूडेज प्रोग्राम। विल बिगिन भगवद गीता चैप्टर नंबर 14 टूडे। बिफोर दैट वी विल रिसाइट ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 टाइम्स टुगेदर। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नर चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीम् उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नैष्टके। हरे कृष्ण। सो वी आर रीडिंग श्रीमद् भागवत गीता एंड वी आर ट्राइंग टू स्टडी वन चैप्टर एट अ टाइम। टोटल देयर आर 18 चैप्टर्स एंड वी हैव कंप्लीटेड अप टू चैप्टर नंबर 13 ऑफ भगवत गीता। Chapter number 1 to 6, we learned about Karma Yoga. Chapter number 7 to 12, we learned about Bhakti Yoga. And now we are on the journey to Jnana Yoga. Actually, even though Bhakti Yoga is embedded between chapter 7 to 12, entire Bhagavad Gita is Bhakti Yoga. Because in chapter number 1 to 6, Lord Krishna explains Bhakti through Karma. Then in 7 to 12, Lord Krishna explains Bhakti directly. And then 13 to 18, he explained bhakti through jnana. And in chapter number 2, we learned about science of soul. Atma ke baare mein humne suna. Chapter number 3 mein humne kya suna? Karma ke baare mein. Karma, karma yoga. Chapter number 4, Bhagwan akarma ke baare mein bata rahe. 5, nishkam karma yoga. 6, dhyana yoga. 7, jnana vijnana yoga. Where we learned about how Lord Krishna is all pervasive. He is in the water. He is the taste of the water. He is the light of the sun, moon, like that. Then in chapter number 8, Lord Krishna explained us about how to remember him at the time of death. Because what you remember, you achieve. You know, at the time of death, whatever you remember, you get that body at the time of after the death. Then chapter number 9, Lord Krishna explained about Raja Vidya. Again, about Bhakti Yoga, but in more detail. Then chapter number 10 is Vibhuti Yoga, where Lord Krishna explained about his opulences, more about him. Chapter number 11, we learned about Vishwarupa. Chapter number 12, pure Bhakti Yoga, without any contamination. Chapter number 13, we did last time, where we learned about nature, Purusha, Kshetra, Kshetragna, knowledge. You remember everything? Okay, perfect. So in the chapter number 13, Lord Krishna says that he compared this body with the Kshetra. And there are two Kshetragnas, right? Kshetragnas is knower. Kshetragna means one who knows you, knows about this.
So one is Atma, one Kshetrajna is Atma, and another Kshetrajna, Lord Krishna says, is Paramatma. There is Atma and Paramatma within all of us. Bhagavan Hamare Sabke Andar Hai. It is like a camera sitting within you, monitoring you. So Kshetrajna Atma and Kshetrajna Paramatma. What is the difference between Atma and Paramatma? Let's revise what we did last time. Atma or Paramatma mein kya farak hai? Atma is? What is the difference between Atma and Paramatma? Atma is soul, and what is Paramatma? Super soul. What is the difference between Atma and Paramatma? So Atma comes from Paramatma. Understand? So Atma is the part and parcel of Paramatma. Now Atma knows about our only one body. You know, your Atma knows about you. Your Atma knows about you. My Atma knows about me. I don't know about you. Right? What is happening within you? But Paramatma knows about everybody. He's within you. He knows about you. He knows about you. It is like if you own a field, farm, then you know about your field. You don't know about everybody's field. But the king will know about every kingdom, right? Similarly, Paramatma is like a king. He knows about everybody. Then Atma is small. Paramatma is unlimited, right? Atma has very little control over this body. Paramatma has a control over entire universe, right? So that is the difference between Atma and Paramatma. And then we learned about 24 elements of body, right? If you remember, we learned about Panch Mahabhuta, right? Earth, water, air, fire, ether, Panch. Then we learned about subtle elements, intelligence, ego, and three modes of nature. Then we learned about five knowledge acquiring senses, five working senses, the 11th sense is the mind, and then five objects of senses, right? So we learned about all this, and then Lord Krishna says further that those who see with the eyes of knowledge the difference between the body and the knower of the body can also understand the process of liberation from bondage in the material nature and attain the supreme goal. So with that, we will go to the chapter number 14 of Bhagavad Gita. Chapter number 14 of Bhagavad Gita is also called as three modes of nature. In Hindi, it's called Prakruti ke teen guna. Guna yane? Guna yane ye jo rassi hai, isko guna kehte hai Hindi mein ya Sanskrit mein. Hai na? Guna se kya karte hai? Rassi se kya karte hai? Baanthe hai na? है ना, रस्सी से, जैसे कि इसको बांधा गया है रस्सी से. अंडरस्टैंड? सो देर आर रोप्स विच आर टाइड टू एवरीबडी. देर आर सर्टन रोप्स विच आर टाइड टू ऑल ऑफ अस. डू यू नो देर इज अ रोप अराउंड यू? या वी कैन नॉट सी, बट व्हाट इज दैट रोप? दैट इज कॉल्ड एज गुणा, राइट? सो वी ऑल आर टाइड. इवन दो वी से दैट वी आर फ्री, वी आर लिबरेटेड. You know, we say we have freedom, but we all are tied. And what are we tied with? So three gunas. Guna means rope. So what are those three guna? Lord Krishna is explaining. So you want to learn about that three guna? Why do we need to know about what are we tied with? Aapko kis rassi se bandha gaya hai, ye janna kyun jaruri hai? हाँ, बराबर है. अगर आपको किसी से बांधा गया है और आपको मालूम है कि मुझे यहाँ से बांधा गया है, तो आप उसको बंधन छोड़ सकते हैं, क्योंकि आपको फ्रीडम होना है ना. फ्रीडम इज बेटर और यू वांट टू गेट टाइड? यू वांट टू बी फ्री और यू वांट टू बी टाइड? फ्री, राइट? सो यू नीड टू नो व्हाट रोप इज टाइंग यू. इफ यू नो दैट, देन यू कैन फ्री योरसेल्फ, राइट? बिकॉज द प्रॉब्लम इज दैट रोप इज द कॉज ऑफ अवर sufferings, right? So Lord Krishna explains us about the ropes by which we are tied. So in 14th chapter, first Lord Krishna explains about this shloka. We can repeat, all of us, you can repeat after me.
भगवद गीता चैप्टर 14 फोर्थ श्लोक आप मेरे पीछे बोल सकते हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः ताशां ब्रह्म महद योनिर अहम बीज प्रद पिता सो भगवान कहते हैं एक यू कैन रिपीट वन लाइन एट अ टाइम आफ्टर मी सर्व योनिषु कौन्तेय सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवति यः मूर्तय संभवन्ति यः ताशां ब्रह्म महद् योनिर् ताशां ब्रह्म महद् योनिर् अहं बीज प्रद पिता अहं बीज प्रद पिता सो भगवान यहाँ पे अर्जुन को कहते हैं It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father of all the living entities. So, sarva yoni yane, har ek prakar ki yoni, pashu, pakshi, jeev, jantu, manushya, har ek yoni ke pita kaun hai? भगवान कृष्ण तो भगवान कहते अहम बीज प्रद पिता सो लिविंग एंटिटी सिर्फ पृथ्वी लोक पे नहीं है लिविंग एंटिटीज आर एवरीवेयर चंद्रलोक मंगल सूर्य पानी के अंदर भी है सभी जगह जीव जंतु और लिविंग एंटिटीज और सभी के पिता कौन है भगवान कृष्ण भगवान कहते हैं मैं सबका पिता हूं तो माता कौन है फिर अगर पिता भगवान है तो माता कौन है जैसे जन्म देने के लिए तो माता भी चाहिए पिता के साथ है ना तो माता कौन है माता है प्रकृति मदर मटेरियल नेचर हाँ लिखा है ना यहाँ पे सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः ताशां ब्रह्म महद् योनिर् अहम् बीज प्रतः पिता हाँ प्रदः पिता तो यहाँ पे जो प्रकृति है प्रकृति में भगवान बीज बोते हैं और वो प्रकृति से सबका निर्माण होता है इसलिए भगवान पिता है वैसे प्रकृति जो है वहां से हमारा जन्म होता है ना हमारे जो शरीर मिलता है कहाँ से मिलता है प्रकृति से मिलता है ना क्योंकि ये प्रकृति कौन सी है तो ये जो मटेरियल नेचर है अर्थ वाटर एयर फायर इथर ये हमारा शरीर का तत्व है तो वहां से वो मिलता है तो भगवान कहते हैं मैं सबके सबका फादर हूं आई एम अ पिता और भगवान कहते हैं आगे सत्वम रजस तमस इति गुण प्रकृति संभव तो अब ये जो प्रकृति है ये हमारी माता है ना तो ये प्रकृति के गुण क्या है प्रकृति की क्वालिटीज क्या है प्रकृति में क्या क्या है ना तो प्रकृति में एक तो है कि अर्थ वाटर एयर फायर इथर जो भी है भौतिक तत्व ये प्रकृति है उसके साथ प्रकृति के तीन गुण यहाँ पे बताए हैं तो भगवान क्या कहते हैं आप मेरे पीछे रिपीट कर सकते हैं सत्वम रजस्तम इति गुण प्रकृति संभव तो भगवान कहते हैं दिस मटेरियल नेचर इज कंसिस्टिंग ऑफ थ्री मोड्स तीन गुण है प्रकृति के कौन से है गुडनेस पैशन एंड इग्नोरेंस सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुणों से प्रकृति हमें बांध के रखा है देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कि ऊपर तीन गुण है जो हमें खींच रहे हैं ना जैसे पपेट को दोरी से खींचते हैं वैसे यहाँ पे पपेट का वर्णन है हा? और क्या कहते हैं इनका नाम क्या है इनके नाम क्या है तीन गुण के सत्व रजस और तमस सत्वगुण रजोगुण और
तमोगुण, ये तीनों गुण प्रकृति के हैं। और भगवान क्या कहते हैं, When the eternal living entity comes in contact with the nature, it becomes conditioned by these modes. So if you come in contact with sattva guna, you become conditioned. Conditioned yane, आप उसके जैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं, अगर आप सत्व गुण के संपर्क में आए तो आप में सत्व गुण आ जाएगा, अब अगर आप रजोगुण के कांटेक्ट में आए तो आप में रजोगुण आ जाएगा, और तमोगुण के कांटेक्ट में आएंगे तो आप जैसी रस्सी वैसे गुण। हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। यस, अगर भगवान आए तो उनको ये गुण लागू पड़ते हैं। तो कहते हैं कि भगवान खुद ही कहते हैं हाँ कि ये जो तीन गुण है उससे मैं परे हूँ। प्रकृति क्रिय कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वसह अहंकार विमुडात्मा करता हूँ। ये तीन गुण जो है सिर्फ आत्मा के लिए है, परमात्मा के लिए नहीं है। परमात्मा ये इनके अधिष्ठाता है। ये जो प्रकृति है वो भी कहाँ से आती है, भगवान से आती है ना। तो भगवान जैसे कि आप प्रेसिडेंट है इंडिया का, तो वो सभी कानून के ऊपर प्रेसिडेंट है, सबके ऊपर। तो ऐसे भगवान सबके ऊपर है, तो वही कानून बनाते हैं, वही लॉ बनाते हैं। तो ये गुण जो है भगवान को लागू नहीं पड़ते हैं। But he takes human forms to experience life of human and their problems. So does that mean that he should also be applicable to this gun? So question is that when Lord Krishna comes, why does he come? He is saying that Lord Krishna comes to have experience of human problem, you said, right? Yeah, he comes to experience like what problem. So अभी जन्माष्टमी आ रही है ना, अभी जन्माष्टमी आएंगी 11 तारीख को। तो भगवान किस लिए आते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम शुजाम्यहम परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि। तो भगवान किस लिए आते हैं, तो साधु की रक्षा करने के लिए आते हैं। उनको यहाँ पे कोई मनुष्य जन्म लेके कोई ऐसा एंजॉय करना है ऐसा कुछ नहीं, साधुओं की रक्षा करना है, विना दुष्कृतों का दुष्टों का नाश करना है और धर्म की स्थापना करनी है। तो ये गुण जो है, ये जो रस्सियां है, ये हमारे लिए है, हमारे लिए बंधन है, भगवान के लिए बंधन नहीं है। भगवान को बांधा नहीं जा सकता है। जैसे यशोदा मैया भगवान को बांधने का प्रयत्न कर रही थी, नहीं बांध सकी। भगवान को किसी से बांधा नहीं जा सकता है। तो तीन गुण जो है, ये तीन गुण के ऊपर भगवान है, तो ये तीन गुण भगवान को लागू नहीं पड़ते हैं, भगवान इसके ऊपर है। तो इसके आगे बारे में भगवान बताएंगे। तो तीन गुण क्या है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस। तो हर एक तीन गुण के बारे में भगवान बता रहे हैं कि क्या क्या है उसके लक्षण। तो पहले गुण के बारे में बता रहे हैं, तो क्या है सत्व गुण के बारे में भगवान क्या कहते हैं, तत्र सत्वं निर्मलात्वात् प्रकाशाकं अनामयं सुखसंगेन बद्धन्ति ज्ञानसंगेन च नघा। तो भगवान क्या कहते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात्। तो सत्व गुण क्या है, सत्व गुण सबसे प्योर है। सबसे प्योर क्या है, सत्व गुण सबसे ऊपर सत्व गुण है। हा? क्यों प्योर है, क्योंकि जब भी आप में सत्व गुण आ जाता है तो क्या होता है, तो इट इज इल्यूमिनेटिंग, क्या नहीं, आपके पास ज्ञान आता है, नॉलेज। व्हेन यू आर इन द गुड ऑफ मोड ऑफ गुडनेस, यू वांट टू गेन नॉलेज। लाइक एट दिस टाइम वी आर ऑल इन द मूड ऑफ गुडनेस बिकॉज वी आर एक्वायरिंग द नॉलेज, एंड द क्वालिटी ऑफ मोड ऑफ गुडनेस इज दैट इट फ्रीज वन फ्रॉम ऑल द सिनफुल रिएक्शन, राइट। सो व्हेन यू आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, यू डू नॉट कमिट सिनफुल रिएक्शंस, सिनफुल एक्टिविटी। लाइक नाउ वी आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, सो व्हाट इज द, वी आर नॉट डूइंग, वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग बैड अबाउट एनीबडी, राइट, वी आर नॉट डूइंग एनी सिनफुल एक्टिविटी एट दिस टाइम, इज दैट राइट। सो नाउ वी आर इन द मोड ऑफ goodness. But if somebody is sitting in a bar and drinking alcohol, what mode it is that? That is not mode of goodness. That is exactly opposite of mode of goodness.
right? If you're watching a movie where there's a violence, that is not a mode of goodness. It is not, right? So in the mode of goodness, you get the knowledge which is illuminating, which brightens your day. And also, you do not do any sinful activities when you are in the mode of goodness. Those situated in the mode of goodness become conditioned by sense of happiness and knowledge. So, example is like, say, if you are a teacher in a school, right, and you're teaching, say, science or physics or whatever you're teaching, you know, or maths. That role is like a mode of goodness because you're doing something good for somebody, you know, you're teaching somebody something which is useful for them. So that activity is mode of goodness. Or scientist, many of the scientists are like, they're doing good discoveries, right? Like the scientists who are working on coronavirus, they're doing good work actually, right? That's a mode of goodness, right? Hare Krishna. However, these people, they're conditioned by, they're also bound by a rope, which means that they have this sense of feeling that they're doing really good thing. You know, they are proud of themselves, right? So when you are bound by a proud thing, proud, or you have a feeling that you're doing good, right? You're doing good for others. That means there is a bondage there. But still, it is better than mode of passion and ignorance. So mode of goodness is pure. It is free from sinful reactions. And there is a sense of happiness and knowledge. Correct? And the example can be teachers, scientists, philosophers. They want to be acknowledged that I did some discovery, I did some good work, so I should be acknowledged. They are conditioned by that. Then Lord Krishna explains about Rajoguna. Rago, Rajo Raga Atmakam Vidhi Trishna Sangha Samud Bhavam Tata Nibandanti Kaunteya Karma Sangena Dehinam. So Lord Krishna is saying, the mode of passion is born of unlimited, what does it say? Unlimited? Padiye. Unlimited desires and longings. Longings is like greed or lust. So, aap jabhi mode of passion mein rehte, toh aapka kya ichha rehta hai? Unlimited desires. Mujhe aur bhi chahiye, aur bhi chahiye. थोड़ा मिल गया तो नहीं और चाहिए और चाहिए. सो दैट इज पैशन. आज पहले तो जॉब नहीं था, अभी जॉब मिल गया तो अभी और बड़ा जॉब चाहिए और ज्यादा सैलरी चाहिए, ज्यादा चाहिए. छोटा घर था, पहले घर नहीं था, फिर छोटा घर, अभी बड़ा घर चाहिए. पहले कार नहीं था, अभी कार, अभी बड़ा कार चाहिए. हाँ, सब कुछ ज्यादा चाहिए. हाँ, उसको क्या कहते हैं? रजोगुण. क्या, कौन सा गुण? रजोगुण. सत्व गुण में क्या है? आनंद है, नॉलेज है, पीस है, शांति है. रजोगुण में क्या है? ज्यादा ज्यादा. जब ज्यादा ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ता है? ज्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है, ज्यादा काम करना पड़ता है ना. तो भगवान कहते हैं, तथा निबंधनती कौतेय कर्म संगेन देहिनाम. बिकॉज ऑफ दिस द एम्बॉडीड लिविंग एंटिटी इज बाउंड विथ मटेरियल फ्रुटेटिव एक्शन. सो एक प्रकार का बंधन है. ये जो शरीर का बंधन, इसमें ज्यादा जितनी इच्छा तो मरते दम तक इच्छा रहती है ना. फिर दूसरा शरीर लेना पड़ता है, फिर तीसरा शरीर, चौथा शरीर, फिर चक्कर चालू रहता है. इसको क्या कहते हैं? जन्म मृत्यु जरा आदि का चक्र चालू रहता है. तो भगवान क्या कहते हैं? रजो रागात्मिका बुद्धि. तो और चाहिए. कुछ लोगों को पैसे से पेट ही नहीं भरता है, और भी चाहिए, और भी चाहिए. जैसे पैसे खा जाएंगे सब. हरे कृष्ण. तो रागात्मिकम विद्धि, राग आत्मकम मीन्स बहुत सारी लस्ट और कामनाएं.
मोड ऑफ पैशन में क्या होता है, अनलिमिटेड डिजायर्स, अनलिमिटेड बिलोंगिंग्स, आपकी भी इच्छा रहेगी मुझे इतना कुछ करना है, इतनी सारा. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड लाइक यू कैन से 99% ऑफ द वर्ल्ड इज आइदर इन द मोड ऑफ पैशन बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट समथिंग मोर मोर, राइट, इज दैट राइट, और सम पीपल आर इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, वेरी फ्यू पीपल आर इन द मोड ऑफ goodness. Then Lord Krishna says, tamastva agnanajam vidhi mohanam sarvadehinam pramadalasya nidrabhis tannibandanti bharata. तो भगवान कहते हैं अभी तम गुण के बारे में बता रहे. पहले कौन सा गुण के बारे में बताया? सत्व गुण. बाद में रजो गुण. सत्व गुण का क्या क्वालिटी है? नॉलेज, लर्निंग, इल्यूमिनेटिंग, राइट, अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस, राइट. रजोगुण का क्या क्वालिटी है? सत्व गुण का वो है. रजोगुण का क्या क्वालिटी है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड डिजायर्स, अनलिमिटेड ग्रीड, लास्ट, और चाहिए, लाओ और दो, और दो. ये दिल मांगे मोर कहते हैं ना, और भी चाहिए, और भी चाहिए. और तमोगुण का क्या क्वालिटी है? भगवान कहते हैं, ओ सन ऑफ भारत, नो दैट मोड ऑफ डार्कनेस विच इज तमोगुण, इग्नोरेंस, इज बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस एंड इज डिल्यूजन ऑफ ऑल द एम्बॉडीड लिविंग एंटिटीज. द रिजल्ट ऑफ दिस मोड आर मैडनेस. मैडनेस यानी पागल, पागल हो जाते लोग जब तमोगुण में रहते हैं, तो लोग पागल हो जाते हैं. You understand Hindi? Basic Hindi? How about you, Prabhu? Hindi pakadta hai? So, mode of passion, ignorance lead to madness. Actually, mode of passion also leads to madness. Some people become mad after money also, right? Some people become mad after name, fame. People are crazy. Crazy means pagal yaane kya? What is mad? Who is a mad person? Have you seen a mad person? Lot of times. Who is mad? One who is in the mental hospital, right? Have you been to mental hospital? No? Okay, you might have seen in the movies, right? Movies you have seen mental hospital? Where a mental means one who is a little bit, who has lost his balance, you know. So example, he will stand on the table and he will declare, I am Prime Minister of India. And then everybody will bow down to him. All the people. All other pagal, you know. Because this pagal is standing on the top. So all the pagals, he say, I am the Prime Minister, sab mere pe jhoot. All the pagal will bow down. He say, I am the king. Aisa, acting karega. So all the pagal will, oh king. Aisa. You know that happens, right? Have you seen in the movie? Aisa hota hai na? Why is pagal? Because he's not the king, but he's declaring himself as a pagal hai, wo bol raha hai, main king hu, main prime minister hu, main Narendra Modi hu. He declares Hare Krishna, Hare Krishna. So similarly, whole world is mad. Why? So Prabhupada ji says that we all are also mad. We all. Why? Because pagal is saying that I am the king when he is not the king. Right? What are we saying? Yes. I am this sharira. I am the owner of this body. Huh? We say, I am doctor, I am this, I am that. We identify ourselves with the sharira. Aye, Prabhu, ye asan khali aapka. So Prabhupada is saying that the madness is that we identify ourselves with the sharira. This is madness. And the whole world is mad actually. So when you are in the ignorance, जब आपको ज्ञान नहीं रहता है तो आप अपने आप को शरीर से आइडेंटिफाई करते हैं. उसको एक प्रकार का तमोगुण, इग्नोरेंस कहते हैं, राइट. सो द रिजल्ट ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस, तमोगुण का क्या क्वालिटी है? पागलपन. हाँ, फिर लोग ज्यादा सोते हैं, इंडोलेंस एंड स्लीप. व्हेन यू आर इन तमोगुण यू स्लीप हाउ मच? मोर मोर मीन्स व्हाट? व्हाट इज द नॉर्मल स्लीप आवर्स?
6 to 8 hours. People in Tamaguna sleep for 14 hours, 15 hours, 16 hours. 12, 12, 13, 13 ghante sote rehte hain. Have you seen people like that? Not till 16 hours, but at least half of that. 12 hours. 12 hours people sleep? Yeah. Is that a goodness? I have seen people sleeping 18 hours also. They wake up, eat and go to sleep again. So Bhagwan kehte hai pramadasya nidra ves. Pramad yane aalsi ho jate hai, lazy. When you are bound by the mode of ignorance or tamoguna, you become lazy, you sleep more than required. And this is the mode of madness, pagalpan. Aadmi soch nahi sakta hai. कुछ लोग जो तमोगुण में है वो क्या करते हैं, कुछ व्यसन से ग्रस्त हो जाते हैं. दे ड्रिंक समथिंग अल्कोहल और स्मोकिंग और व्हाटएवर यू नो और ड्रग्स. सो ऑल दीज आर मोड ऑफ इग्नोरेंस. तो भगवान कहते हैं हाँ, वेरी नाइस. सो वेरी नाइस, एब्सोल्युटली. सो रजोगुण इज लाइक अ मिडल प्लेटफॉर्म. वी ऑल आर इन द मोड ऑफ रजोगुण 99% ऑफ द टाइम. We are in the Rajoguna and then we slip down to Tamoguna. Not 99, but maybe 80 to 90%. And then we slip down to Tamoguna. And very rarely we go to the Sattvaguna when we go to temple. Otherwise, we are in the Rajo or Tamoguna. We are sleeping or working hard. Nothing else. When you are doing japa at your home also, that is Sattvaguna or Shuddha Sattva, you can say. We'll talk about that. Otherwise, most of the time, if you calculate, you are either in Rajoguna or sleeping, Tamoguna, right? So you have a chance to sleep from middle platform to higher platform, you know, upward migration, or you go down. But you know, gravity is very powerful. So most of the time, people tend to go down. You know, go against the gravity is very difficult. You have to put more energy. So Lord Krishna is saying, Tamastva agnyan jam vidhi. Tamo means ignorance or mode of tamoguna. So mode of ignorance is quality kya hai uska? So madness, indolence. Indolence means laziness. You know, kuch janne ki ichha nahi, kuch nahi, abhi aaj sote rehte hai, chalo. Aaj kya Bhagavad Gita padhni hai? Baad mein padhenge. Aaj to hum picture dekhenge, WhatsApp dekhenge, Facebook dekhenge. Resume. Most of the mode of ignorance, they come from this social media nowadays, right? Darkness is absolutely darkness, right? So here is a picture which shows when you are in the nature, when you are like by side of lake, you know, that's a goodness actually. Going for hiking, walking, that is goodness actually, doing meditation. Then we are in the passion mode. Rajoguna, you want more. Jada paisa, jada naam kamana hai, jada followers chahiye, jada ye chahiye, jada wo chahiye. Aur tamoguna mein kya hai? Sote rehna hai bas, baki kuch nahi, vyasan karna hai. To ye jo hai, table hai, this table will highlight three gunas. Sattva guna, rajoguna and tamoguna, right? Now we are, guna means kya? Rope. Sattva guna means the rope which binds you with the goodness. Rajoguna means the rope which binds you with passion. And tamoguna means the rope which binds you with ignorance. But ultimately there is a bondage. Right? Even though you are bound by sattvaguna, that is good. But ultimately there is a bondage. What is the bondage? You have to take again birth. Punha. Punarapi janma, punarapi marana. Even you are in sattva guna, you will get a good birth. You will get a birth in a good family, good, well-educated family, lot of money, all those, you know. If you are in rajaguna, you will get that type of birth. And if you are in tamoguna, you will get that type of birth. So Lord Krishna further explains, rajas tamascha abhibhuya. Abhibhuya means ek dusre ke upar competition chalte rehta hai. Sometimes mode of goodness is predominant.
sometimes mode of passion is predominant, sometimes mode of ignorance is predominant. And there is constant competition between the three gunas. Right? So now which mood is predominant at this time? अभी कौन सा गुण प्रेडोमिनेंट है हमारे में? अभी कौन सा गुण चल रहा है हमारे में? अभी ये समय 6:51 पे कौन सा गुण है हमारे पास? सत्व या उसके ऊपर शुद्ध सत्व है. अभी हम भगवान के पास है ना, तो सत्व में भी दो प्रकार है, सत्व और शुद्ध सत्व. सत्व यानी यू आर इन द मोड ऑफ गुडनेस बट यू हैव अ कंडीशनिंग. What is that conditioning? You think that I am doing good job. But when you are in Shuddha Sattva, you say I am doing it for Krishna. Right? So that is the difference. When you do for Krishna, there is no karma phala, no bandhan, because you are a karma. Sometimes the mode of passion defeats the goodness. Sometimes the ignorance defeats the goodness. So there is a constant competition between the थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. और ये जो गुण है ये बहुत ही सटल है. सटल यानी आप देख नहीं सकते इनको, लेकिन वो आपके ऊपर कार्य कर रहे हैं. कभी सत्व गुण कार्य कर रहा है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, है ना. तो सबसे अच्छा गुण कौन सा है? सबसे अच्छा गुण कौन सा? विच इज द बेस्ट? So which mode you will like to be in always? Sattva. Why? Because it is illuminating, it is giving happiness. But better than that is Shuddha Sattva. Right? When do you get Shuddha Sattva? When you do Sattva for Krishna, it becomes Shuddha Sattva. Right? Now, whatever we eat, whatever we do, whatever enjoyment we do, they also fall in this three gunas, right? And these gunas are very tightly associated with each other. And whatever the actions we perform, whatever the food we eat, whatever the happiness we derive from any of the gunas, you know, some people derive happiness by watching a movie about, say, some violent movie. That's a tamo guna or sometimes rajo guna, nothing about sattva guna. But if you are watching Krishna movie or you are reading about Lord Krishna, then you are deriving happiness through sattva guna or even shuddha sattva, right? Suppose you are eating fruits and vegetables. That is sattva guna, right? If you are eating meat, which guna? Tamo guna. Tamo guna is madness. You do harm to others. No? Tamo guna is qualified by sense, by you do harm or injury to others, right? Similarly, suppose you are eating, I'm going to show you some examples here, the food in the mode of goodness. So you eat fruits, juice, milk, vegetables, sugar, all these are in the mode of goodness, sattva guna. Lekin yahi food agar aap bhagwan ko offer karte hain aur lete hain to usko kya kehte hain? Shuddha sattva. Passion mein kya aata hai? The food which is too spicy, too hot, too pungent. So what happens with the food in the mode of rajoguna? If you eat too oily, too spicy, you feel good in now, but later on there will be a problem, right? And then mode in the food in the mode of ignorance, tamaguna, which is tasteless, stale, putrid, decomposed. Meat falls into this category. Eggs, fish, meat, these are all tamaguna. And your brain also becomes like that. And you are what you eat. तो वैसे हम जो जो कार्य करते हैं वो सभी एक गुण में आ जाते हैं. समटाइम्स मूड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस. तो भगवान आगे क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं यदा सत्वे प्रबुद्धते. सो व्हेन वन डाइज इन द मोड ऑफ गुडनेस व्हाट हैपेंस? सपोज आप मोड ऑफ गुडनेस में आपकी मृत्यु हो गई, तो भगवान क्या कहते हैं?
He attends to the higher planets. You know, this planet is called as Prithvi Loka. There are higher planets, Swarga Loka, Bhur, Bhuva, Swaha. Upar ke planetary system bhi hai. तो अगर आपकी मृत्यु सत्व गुण में होती है, जैसे कि आप कोई एंटरटेनमेंट कर रहे हो, वो सत्व गुण में है और तभी आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको ऊपर के प्लैनेटरी सिस्टम में जाने को मिलता है. व्हेन यू डाई इन द मोड ऑफ गुडनेस. राजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस तामसी मूढ़ योनिषु जायते. तो भगवान क्या कहते हैं, when you die in the mode of passion, he takes birth among those engaged in the fruitative activities. Agar hamara mode of passion mein mrityu hoti hai, yani kya, to samjho aap koi job pe kaam kar rahe ho, upar se gire niche, fir kya ho jayega, aapki mrityu kaun se gun mein hai abhi, aapki mrityu, when you are in the mode of passion, right, you are working very hard. And at that time you die. So Bhagwan kya kehte hain? At that time you will get birth among the family where there is a passion involved, fruitative activities, right? When one dies in the mode of ignorance, he takes the birth in the animal kingdom. Kuch log drugs se mar jate hain. Some people consume the drugs and they die. Have you heard about that? और हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. आइए आइए बैठिए, वेलकम. सो लॉर्ड कृष्णा इज एक्सप्लेनिंग भगवद गीता दैट व्हाट एवर द मोड वन डाइज इन, ही विल गेट दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बर्थ इन द नेक्स्ट लाइफ, राइट. So if we are really serious about our human life, you know, this human life is very serious affair. Actually, it's not like light thing. If we are really serious, then we should develop the mode of goodness more than anything else, right? So try to minimize the mode of passion, mode of ignorance, and increase the mode of goodness going towards the sattva guna, shuddha sattva. To shuddha sattva kaise ho sakta hai? Try to associate as much as possible with devotees of Krishna, right? More you devote, you know, this satsanga program, more we do satsanga, more goodness will develop, right? Is that right or wrong? Kyunki hum prasad khayenge, hum satsang karenge, kirtan karenge, bhajan karenge. So what will happen? We are in the mode of goodness, sattva, shuddha sattva actually. So if we die now also, we will go to Krishna Loka. The best time of death is now, because we have to die anyway. So why not die in front of Krishna, right? So if we spend our life, human form of life, not developing sattva or shuddha sattva, but towards the passion and ignorance, we are bound to degrade to the lower species of life, right? So then Lord Krishna is further saying that sattva sanjayate jnanam rajasho lobha eva cha प्रमाद मोहो तामसो भवतो अज्ञानम एवच. तो भगवान क्या कहते हैं, फ्रॉम द मोड ऑफ गुडनेस रियल नॉलेज डेवलप्स, है ना. सत्व गुण में रहेंगे तो ज्ञान आएगा, सही है गलत है? पैशन में रहेंगे तो क्या आ जाएगा, रजोगुण में रहेंगे तो लोभ आएगा. राजसो लोभ एवच. More you associate with Rajaguna, lobh aayega. Aur paisa kamana hai, aur ye chahiye, aur bada ghar chahiye, badi car chahiye, bada bangla chahiye, sab kuch bada bada chahiye. It never ends, unlimited. You want more and more. And when you are in the tamasa, Bhagwan kehte hai, pramada moho tamaso. Pramad yane kya? प्रमाद यानी क्या, पागल, मैडनेस. अभी मैडनेस, मैड का डेफिनेशन हमने बताया ना, क्या है मैड, कौन है पागल, कौन है. अभी हमने डेफिनेशन बताया था ना, एग्जांपल दिया था ना, डिडंट वी गिव एग्जांपल, अ पागल स्टैंडिंग ऑन द टेबल डिक्लेयरिंग हिमसेल्फ एज अ प्राइम मिनिस्टर एंड देन ऑल अदर पागल बोइंग डाउन टू हिम, जय राजा की जय हो.
कुछ पागल डिक्लेयर करते हैं आई एम गॉड, सो ऑल अदर पागल्स विल गो ओ जय आप भगवान हो, नो शॉर्टेज ऑफ पागल्स ऑन द प्लैनेट क्योंकि तम गुण के कारण है ना। तो भगवान कहते हैं प्रमाद, प्रमाद यानी क्या, इसका स्क्रू ढीला हो गया है। हु इज मैड, वन हु मिस आइडेंटिफाइज हिमसेल्फ, यू नो पागल विल से आई एम द किंग, ही इज नॉट द किंग। सिमिलरली वी से आई एम द शरीर, आई एम द डॉक्टर, चलो खड़े हो जाओ मैं डॉक्टर आया हूं, दैट इज कॉल्ड पागल। वॉट इज अवर रियल आइडेंटिटी, वी आर आत्मा, वी आर सर्वेंट एक्चुअली, वी आर दास, वी आर सर्वेंट्स ऑफ कृष्णा, बट वेन वी स्टार्ट सेइंग दैट आई एम द मास्टर, दैट इज मैडनेस, राइट। सो हु इज रियल एंजॉयर, द मास्टर इज द रियल एंजॉयर, कृष्णा इज द एंजॉयर, वी आर द सर्वेंट्स। अगर आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, कहाँ जॉब करते हैं आप, डू यू वर्क समवेयर, यू वर्क समवेयर, सो इफ यू गो टू योर फैक्ट्री एंड यू से आई एम द बॉस, व्हाट विल हैपन, दिस गाय इज गॉन मैड, किक हिम आउट ऑफ दिस प्लेस, ही इज सेइंग दैट ही इज द बॉस, हाउ कम, विल दैट हैपन, यू वॉन्ट से दैट, और यू इफ यू से दैट देन व्हाट विल हैपन, दे विल, कल मत आना, घर पे रहो, आज आज के दिन आ गए तो ठीक है, अभी जाओ घर पे, है ना। वैसे ही ये जो जगत है इसके मालिक कौन है, भगवान है, कृष्ण है या भगवान विष्णु है। तो अगर हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, तो क्या है वो, पागलपन है क्या, नहीं, इज दैट मैडनेस और नॉट, यस। अगर सपोज आप ये बिल्डिंग में आ गए और कहे ये मेरा बिल्डिंग है, बोला ठीक है अभी आपका स्क्रू ढीला हो गया है, आप जाइए यहाँ से, है ना, क्योंकि ये बिल्डिंग तो बैंक का है, अभी लोन चल रहा है इसके ऊपर तो वैसे ही जब हम पागल हो जाते हैं तो सब कुछ मेरा मेरा करके हम उसके पीछे भागते रहते हैं, जबकि हमारा कुछ भी नहीं है, है ना। आपका क्या है, आप आए थे, कुछ लेके आए थे, कपड़े भी लेके आए थे, नहीं, मम्मी पापा ने दिए कपड़े, और जाएंगे तो Will you take away clothes with you when you leave the planet? Nothing. Not even a piece of, small piece of cloth. You can't take anything with you. But still we say this is my. What is that called as? That is called as pramada, madness, right? So Bhagwan kehte hai, pramada moha tamaso. Moha means attachment. बहुत सारी अटैचमेंट आ जाती है कि ये सब मेरा है, ये मेरी पत्नी, मेरे बीवी बच्चे, ये सब कुछ मेरा घर। तो भगवान कहते हैं भवतो अज्ञानम एव च, अज्ञान यानी क्या, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है इनका। इफ यू ड्राइव ऑन अ हाईवे विदाउट नॉलेज व्हाट विल हैपन, सपोज यू वांट टू गो टू टोरंटो एंड यू डोंट नो एनी डायरेक्शंस, वेयर विल यू गो, यू कैन गो इन एनी डायरेक्शन, यू नेवर रीच टोरंटो। Why? Because you don't know the direction. You are agnyan. Agnyan means कोई दिशा नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही चल रहा है सब। सुबह उठ रहे, रात को सो रहे, सुबह उठ रहे, रात को सो रहे, कोई दिशा नहीं, कुछ नहीं, कहाँ पहुंचेंगे फिर, कौन है, वापस घूमते रहना पड़ेगा। हाँ, पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरण, ऐसे ही चलते रहेगा। तो भगवान यहाँ पे हमें कहते हैं कि हे अर्जुन, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्य तिष्ठति राजसा जगया गुण वृत्ति स्था अधो गच्छति तामसा। तो कहते हैं दोज सिचुएट इन द मोड ऑफ गुडनेस ग्रेजुअली गो टू ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वम मीन्स ऊपर की तरफ, यहां से ऊपर, ऊपर जाना है, नीचे जाना है, ये हमारे ऊपर है, है ना। तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छति सत्वस्था, अगर सत्व में है तो ऊपर जाओगे। मध्यम तिष्ठति राजसा, अगर रजोगुण में रहेंगे तो यहाँ पृथ्वी लोक पे ही रहना पड़ेगा, एक घर से दूसरे घर, एक कंट्री से दूसरे कंट्री। जगन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छति तामसा, अधो मीन्स अधोगति, नीचे की तरफ, नीचे की योनि में जाना पड़ेगा। तो नीचे की योनि यानी क्या, अभी इस जन्म में मनुष्य है, अगले जन्म में you can become animals also, we all can become animals also, so it is up to us which mode we are in, what mode we are developing,
every day, actually, Krishna gives, every day we all get 24 hours, right? Everybody gets 24 hours. And why do we get 24 hours? So we progress upar ki taraf, sattva or shuddha sattva ki taraf. We all are in the mode of passion. At this time, we are on the same platform, passion. Abhi ignorance tak to nahi gaye, kabhi kabhi jaate hum. Lekin yahan se hume upar ki taraf jana hai, hai na? So develop more knowledge, develop, associate with the devotees, chant the holy name, and have the food also in the mode of sattva guna. Entertainment also in the mode of sattva guna. Work also in the mode of sattva guna. Talk also, medicine also in the mode of sattva guna. Take the medicine on a timely manner, you know. If you don't take, then that is tamo guna. Whatever is recommended by doctor, follow the advice. Those in the abominable mode of ignorance go down to the hellish planetary system. So ye jo chart hai, isme beech mein prithvi lok hai, upar ki taraf higher planetary system aur niche aur lower planetary system. Aur Bhagwan kya kehte hai aage? Madhabhavam so adhigachyati. When one properly sees that in all activities no other performer is at work, then these three modes of nature, he knows the Supreme Lord who is the transcendental to all these modes. He attains my spiritual nature. So, ye aap jo prashna puch rahe the na, uska jawab yahan pe Bhagwan 14 chapter 19 shlok mein dekh rahe. Dekhiye aap Bhagwan upar dikhaye gaye, dekhte hain. Upar hai Bhagwan. Bhagwan ke adhyakshata mein kya chalta hai? Maya adhyakshena prakruti suya sarisa characharan. Bhagwan kehte hain, meri adhyakshata mein ये प्रकृति के तीनों गुण काम कर रहे हैं. तो ये तीन गुण भगवान के ऊपर काम नहीं करते, हमारे ऊपर ही काम कर रहे हैं. तो जब हमें मालूम पड़ता है कि हम ये शरीर है, शरीर के बारे में हमने लास्ट टाइम क्या बताया था, क्षेत्र है. हाँ, क्षेत्र, क्षेत्र के जानने वाले कौन है? क्षेत्रज्ञ. कौन है क्षेत्रज्ञ? आत्मा और परमात्मा. और इसके ऊपर कार्य कौन कर रहे हैं? ये तीन गुण. हाँ, तो ये क्षेत्र के ऊपर किसके किसका अधिकार है? अभी तीन गुण का अधिकार है. लेकिन हम जब भगवान की तरफ जाएंगे तो इसके ऊपर अधिकार भगवान का हो जाएगा. तो भगवान कहते हैं कि प्रकृते क्रिया कर्माणि गुणे कर्माणि सर्वशः. तो ये तीन गुण है वो हमेशा आपके ऊपर काम करते रहते हैं. लेकिन आपको क्या करना है? तो कॉन्शियस रहना है. आई डू नॉट वॉन्ट टू गेट इन टू द मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस. कॉन्स्टेंटली वी हैव टू चूज, यू नो, आई विल चूज व्हाटएवर इज इन द मोड ऑफ goodness and then progress towards the pure goodness, right? So here Lord Krishna is telling to Arjuna. Lord Krishna says in 14th chapter 20th sloka, gunan ethan atiyantrin. Gunan means quality, ethan means all these qualities jo bataye. Kaun se quality bataye Bhagwan ne? Sattva, rajo aur tamo gun. Isko agar aap अतिथ्य मीन्स ट्रांसेंड, उसके ऊपर जाना है हमें. तो ये भगवान कहते हैं व्हेन एम्बॉडीड बीइंग इज एबल टू ट्रांसेंड, ट्रांसेंड मीन्स उसको क्रॉस करके शुद्ध सत्व में जब जाएंगे हम, थ्री मोड्स एसोसिएटेड विद द मटेरियल बॉडी, ही कैन बिकम फ्री फ्रॉम द बर्थ डेथ ओल्ड एज डिजीज एंड डेथ. सो व्हेन वी सिचुएटेड इन द शुद्ध सत्व देन वी डोंट गेट एनी मोर बर्थ ओल्ड एज डेथ. Even you are in the mode of goodness, you get again birth. What sort of birth you get? Bhagwan ne abhi bataya tha. Shuddha sattva mein kaun sa birth milega? The upper Brahman. Achhe family mein milega. Aur Brahman ka bhi sahi baat hai. Dvija bandhu ka. Achhe family, educated family ya upar ke lok mein jayenge. Lekin birth milega. Rajogun mein kaun sa birth milega? पैशनेट फैमिली में मिलेगा, पृथ्वी लोक पे रहेंगे. और तमोगुण में नीचे के लोक की तरफ जाएंगे या नीचे की योनि की तरफ जाएंगे, है ना. लेकिन भगवान कहते हैं अगर आप शुद्ध सत्व में आ गए तो फिर आपको वापस जन्म नहीं मिलेगा, है ना. तो ये शुद्ध सत्व की क्या व्याख्या है? सत्व, लेकिन भगवान के लिए करना, उसको क्या कहते हैं? शुद्ध सत्व. तो अर्जुन कहते हैं भगवान मुझे बताइए कि जो ये शुद्ध सत्व में है
उसको वो कैसे दिखता है, कैसे बात करता है, क्या क्या क्वालिटीज रहती है, कैसे पहचाने कि ये आदमी शुद्ध सत्व में है। अर्जुन इज आस्किंग, ओ माय डियर लॉर्ड, बाय विच सिम्टम इज वन नोन हु इज ट्रांसेंडेंटल टू दिस थ्री मोड्स, व्हाट इज हिज बिहेवियर, हाउ डज ही ट्रांसेंड दिस मोड्स ऑफ नेचर। तो अर्जुन कहते हैं भगवान आपने सबको तो बताया, सत्व गुण के बारे में बताया, रजोगुण के बारे में बताया, तमोगुण के बारे में बताया, और अभी आप कह रहे हैं कि शुद्ध सत्व से आपको वापस जन्म नहीं मिलेगा। तो मुझे बताइए कि ये शुद्ध सत्व में आदमी है वो कैसे मालूम पड़ेगा, सत्व गुण में है कैसे मालूम पड़ेगा आपको, कोई मनुष्य आपके सामने खड़ा है और वो सत्व गुण में है कैसे मालूम पड़ेगा। हाँ, और जो रजोगुण में है वो थोड़ा घमंडी एग्रेसिव, और जो तमोगुण में है वो तो गाली का रस पीते हैं। हाँ, तो फिर शुद्ध सत्व में हो क्या करेगा, चुप रहे। हाँ, तो ये हम भगवान से ही सुन लेते हैं। हाँ, आप सभी सुनेंगे। तो भगवान 12 चैप्टर 22 श्लोक और 25 श्लोक में प्योर गुडनेस, शुद्ध सत्व के बारे में बता रहे कि जब आप में शुद्ध सत्व आएगी, ठीक है, अभी जब आपको कोई इन्फेक्शन हो गया, जो आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो एक सिम्टम आते हैं ना आप में, बुखार आता है, खांसी आती है, अभी कोरोना के सिम्टम आते हैं, अगर हो गया तो सिम्टम से मालूम पड़ता है कि कोरोना है या नहीं है, शायद हो सकता है। वैसे ही अगर आप शुद्ध सत्व में है ये कैसे मालूम पड़ेगा, तो आपके सिम्टम से मालूम पड़ेगा। तो क्या क्या सिम्टम है, पहला सिम्टम क्या कहते हैं भगवान, तो भगवान कहते हैं ना द्वेष्टति, ईर्ष्या नहीं करेगा किसी की। अगर जो शुद्ध सत्व में है तो ईर्ष्या नहीं करेगा, कैसे ईर्ष्या नहीं करेगा। हाँ? कैसे रहेगा संतोष, कैसे रहेगा, कैसे रहेगा, लेकिन क्यों, ये बड़ा मुश्किल कार्य है संतोष रहना। हाँ, संतुष्ट रहना। हाँ, इच्छाओं को कम करेगा, ये भी बात है, लेकिन इच्छाओं को कम करना बड़ा मुश्किल काम है ना, ये तो थियोरेटिकल हो गया, प्रैक्टिकल कैसे समझेंगे आप। तो एनवीनेस ये तो नेचुरल है, कंपटीशन ये नेचुरल है ना, हर एक को लगता है कि मुझे और चाहिए, लेकिन जो भगवान के जो भक्त है, जो शुद्ध सत्व में स्थित है, वो क्या सोचते हैं कि जो कुछ है अगर मेरे पास इतना है तो भी भगवान का है, और ज्यादा आया तो भी भगवान का ही है, तो मुझे जो मेहनत करूंगा जो आएगा वो भगवान को समर्पित, अगर नहीं आया तो भी भगवान की इच्छा और आया तो भी भगवान की इच्छा, सुख है तो भी भगवान की इच्छा और दुख है तो नहीं, वो ऐसा सोचेगा ये दुख है मेरे कारण से आ रहा है, लेकिन भगवान है जो मुझे इतना कम दुख दे रहे हैं, ऐसा नहीं सोचता कि भगवान दुख दे रहे हैं, ये दुख तो मेरे कर्मों से आ रहा है, लेकिन मेरे भगवान है जो मेरे दुख कम कर रहे हैं, अगर भगवान नहीं रहते तो दुख ज्यादा हो सकते मुझे, है ना। तो भगवान को ब्लेम नहीं करता है दुख के लिए, वो भगवान का आभार मानता है, बहुत मेहनत की और सक्सेस मिला तो भगवान से, और फेलियर हो गया तो क्या करेगा, वो कहेगा कि मैं और मेरा कर्म तो कर दिया है, कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, भगवान ने कहा है भगवद गीता में कि फल की आशा, तो ऐसे वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, तो ऐसे जब रहेगा जीवन तो कोई ईर्ष्या का चांस नहीं है, है ना। फिर आगे क्या कहते हैं, ना मोहम, ना द्वेष्टति, ना मोहम, किसी को कोई भी प्रकार का मोह नहीं है, मोह यानी क्या, इल्यूजन, मोह माया, इसको इल्यूजन कहते हैं, इल्यूजन यानी कि परसेप्शन है उसको कि ये शरीर है, ये नश्वर है, और ये संबंध है वो भी टेम्पररी है, इसमें ज्यादा एंगेज होने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना, उससे ज्यादा नहीं है ना। तो ये हमारे बीवी है, बच्चे है, तो ये कौन है, भगवान के रूप है। एक्चुअली परमात्मा का जब रूप देखते हैं हम सब में, तभी मोह माया अपने आप ही कम हो जाती है। जैसे कि हम हमारे फैमिली को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये मेरा बच्चा है, ये तो एक प्रकार का शारीरिक अट्रैक्शन है, लेकिन हम जब उसमें देखते हैं कि ये भगवान का अंश है ना, जैसे कि वाइफ इज ऑल्सो पार्ट ऑफ
गॉड. हस्बैंड इज ऑल्सो पार्ट ऑफ गॉड. अवर चिल्ड्रन आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गॉड. अवर फ्रेंड्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गॉड. यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ गॉड. देन वॉट हैपन्स? बिकॉज आई एम हियर टू सर्व गॉड एंड यू आर पार्ट ऑफ गॉड, सो आई विल लाइक टू सर्व यू. बिकॉज वेन आई सर्व यू आई एम सर्विंग कृष्ण एक्चुअली, राइट? दैट इज वाई वी से आई एम अ दास. दास मीन्स सर्वेंट. आई नेवर से आई एम मास्टर, राइट? सो देन ऑल द इल्यूजन्स आर रिमूव्ड. देन व्हाट लॉर्ड कृष्णा इज सेइंग, न कांक्षति, कोई भौतिक इच्छाएं नहीं रहती है. जो शुद्ध सत्व में है वो कहता है जो भी करना है भगवान के लिए करना है, मेरे लिए कुछ भी नहीं करना है. हाँ, तो मटेरियल इच्छाएं खत्म हो जाती है. इच्छाएं तो रहती है, इच्छाएं कभी खत्म? डिजायर्स कैन नॉट बी फिनिश्ड. व्हेन द डिजायर गेट फिनिश्ड? वेरी नाइस. व्हेन यू डाई देयर इज नो मोर डिजायर. एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग ऑल द डिजायर्स विल रिमेन. बट व्हेन यू कन्वर्ट दोज डिजायर्स इनटू spiritual desire. So if you have a desire to make more money, so then you make more money so that you can build, say, opulent temple for Krishna. Or if you want a bigger house, buy a bigger house for Krishna. Or if you have a bigger car, buy a car so that you can serve more people, right? So when you convert everything into spiritual, that becomes kanksha, na kankshati. Then na vichalyate, vichalyate. Na vichalyate means never gets agitated. So one who is in pure goodness will never get agitated. किसी ने बहुत अच्छा कहा तो ठीक है, वो भी भगवान की इच्छा. और किसी ने कुछ humiliate किया तो, किसी ने आपका अपमान कर दिया, आपको कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, है ना? बहुत बुरा लगता है भाई, क्योंकि ये मेरा मान नहीं कर रहा है, मेरा सम्मान नहीं कर रहा है. लेकिन जो भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो क्या कहेगा? वो कहेगा कि ये एक्चुअल में मुझे शरीर समझ रहा है, मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर को कुछ बोल रहा है, मैं तो आत्मा हूँ. तो जो भगवान का जो भक्त है वो कभी विचलित नहीं होता, और दूसरे को विचलित भी नहीं करेगा, कोई किसी को डिस्टर्ब भी नहीं करेगा. और सम दुख सुख स्वास्थ्य, सुख और दुख में समान, क्योंकि वो कहेगा कि भगवान की जो भी इच्छा है मैं मेरा कार्य करते रहूंगा. समलोष्ट अस्म कांचना, सो लुक्स अपॉन द लंप ऑफ अर्थ, अ स्टोन एंड पीस ऑफ गोल्ड विथ इक्वल आई. ही इज नॉट ग्रीडी बेसिकली. द पर्पज इज लॉर्ड कृष्ण इज सेइंग दैट इवन दो देर इज अ गोल्ड हियर लाइंग, ही विल नॉट क्लेम इट दैट दिस इज माई गोल्ड. ही इज नॉट ग्रीडी. If he belongs to somebody, he will not touch it. And क्या कहते हैं? प्रिय अप्रिय धीर तुल्य. तो ऐसा उसको ये नहीं कि ये मेरा प्रिय है, ये अप्रिय है, ये आदमी ठीक नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा मित्र है, ऐसा कुछ नहीं. सबको भगवान के अंश की तरफ ही गिनेगा. तुल्य निंदा आत्म संसुष्टि मन मान अपमा नयो यहाँ. तो निंदा भी नहीं करेगा किसकी, और इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो ऐसे भगवान अर्जुन को कहते हैं. विद दैट लॉर्ड कृष्णा एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर ऑफ 14 श्लोका भगवान कहते हैं, वन हु एंगेजेस इन द फुल डिवोशनल सर्विस अनफॉलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस एट वंस ट्रांसेंड्स टू द मोड्स ऑफ नेचर. तो भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, ये लास्ट श्लोक है, मामचो य अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते. तो भगवान कहते हैं, वन हु एंगेजेस इन माय भक्ति, अगर आप भक्ति में लिप्त हो जाते हैं, अनफेलिंग इन ऑल सर्कमस्टेंसेस अव्याभिचारेण, अव्याभिचार मीन्स विदाउट फेल. माम यह माम च यो अव्याभिचारेण, माम मीन्स मी, मी मीन्स कृष्ण. तो भगवान कहते हैं कि जो विदाउट फेल मेरी भक्ति में आ जाएंगे तो उनका क्या हो जाएगा? भक्ति योगेन सेवते सगुणान
सह मीन्स ये जो अभी जो गुण बताए ना तीन गुण सह सगुणान गुण मीन्स ये तीन गुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण। तो कहते हैं समतित्या समतित्या मीन्स उसको क्रॉस ट्रांसेंट ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो ये तीनों गुण को आप ट्रांसेंट करेंगे कैसे कैसे करेंगे? तो कहते हैं माम च यो अव्याभिचारे न भक्ति योगे न सेवते। अगर भक्ति करेंगे भगवान की तो ये तीन गुण आपके ऊपर काम नहीं करेंगे, फिर आप शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएंगे और फिर आप भगवान के धाम चले जाएंगे, है ना। तो ये तीन गुण के ऊपर निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति हमेशा करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसके साथ ही हम ये 14वां अध्याय यहाँ पे खत्म करते हैं। किसी का कोई प्रश्न? एनी क्वेश्चन? नहीं, चलो मैं प्रश्न करता हूँ। भगवान को मानने से नॉलेज, तो आपको भक्तों का संग रखना है, भक्तों का संग रखते ही रखते वैदिक भक्ति का पालन करना है। वैदिक भक्ति में क्या आता है? तो सुबह उठना है, जल्दी उठना है, फिर स्नान करके जप करना है, भगवान की भगवद गीता का पाठ करना है, फिर भगवान को भोग लगाना है, तो धीरे धीरे हम डेवलप हो जाएंगे। आइए हम थोड़ा क्विज आंसर करते हैं। हमारे जो ऑनलाइन मित्र हैं नील प्रभु और हेमंत जी, थैंक यू सो मच। सो यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, एंड हमारे मित्र जो यहाँ पे बैठे हैं वो भी आंसर दे सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ अ लिविंग एंटिटी इन द मोड ऑफ गुडनेस बिकम्स कंडीशन्ड। जो सत्व गुण में है उसको भी कंडीशनिंग होता है, तो क्या कंडीशनिंग रहता है? कंडीशनिंग यानी बंधन। जो सत्व गुण है उसको भी एक बंधन रहता है, तो क्या बंधन रहता है उनका? तो चूज कर सकते हैं थिंकिंग दैट ही इज एडवांस्ड इन नॉलेज, थिंकिंग दैट ही इज बेटर देन अदर्स, थिंकिंग दैट ही इज हैप्पीएस्ट ऑफ ऑल, और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। जो सत्व गुण है उसका क्या बंधन रहता है, उसको क्या क्या फील होता है? हाँ, आप हमारे ऑनलाइन मित्र क्या कह रहे हैं? What is the conditioning of the person who is in the mode of goodness? Namaste Hemanji. D. Hemanji is saying D. Okay, perfect. Neil Prabhu will say something. D. Okay. So absolutely, the answer is correct. D is. So person who is in the mode of goodness is also conditioned. He has a feeling that I am doing good for everybody. So but the person who is in the pure goodness, what he will feel? Everything is for God. Everything belongs to God. वो सब कुछ भगवान के लिए करेगा, है ना। तो अच्छा हुआ तो भी भगवान का ही सब कुछ है, तो उसको कोई चिंता नहीं है। आगे का प्रश्न है what are the symptoms of person in the mode of ignorance? Madness, laziness, excessive sleeping, all of the above. All of the above? Absolutely, that is the right answer. Next one, a devotee is situated in, fill in the blank, mode of ignorance, mode of passion, mode of goodness, mode of pure goodness or mode of goodness. Devotee, bhakta kaun se good mode mein rehte hai? Devotee is in the mode of? Himalji is saying C. आप क्या कह रहे हैं? सी प्योर गुडनेस आपका, और मोड ऑफ गुडनेस डी। आप प्रभु जी आप लेट आए थोड़ा आपका, चलो ठीक है, सी परफेक्ट। सो हेमंत जी सेइंग सी, नील प्रभु इज सेइंग डी। आपका क्या है प्रभु जी? सी आपका, सी। सो एब्सोल्युटली, सो डिवोटी और भगवान के जो भक्त है वो शुद्ध सत्व में रहते हैं। जो गुडनेस में कौन रहते हैं? जैसे टीचर, प्रोफेसर, फिलोसोफर, ये सब साइंटिस्ट, क्योंकि उनको एक सेंस ऑफ ये रहता है कि मैं कर रहा हूँ, मुझे मान मिलना चाहिए, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, डिस्कवरी किया है कोरोना वायरस का। लेकिन जो भगवान का भक्त है वो कहेगा कि जो भी है भगवान का, तो ये प्योर गुडनेस है। आपका क्या प्रश्न है प्रभु? हाँ,
तो ये आपका बात भी सही है, प्योर डिवोटी आप ऐड कर सकते हैं, अगले टाइम हम उसमें प्योर डाल देंगे। थैंक यू ब्रो जी, थैंक यू, ग्रामेटिकल एरर, थैंक यू। व्हाट हैपेंस इफ वन डाइज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, अगर रजो तमोगुण में मर गए तो क्या हो सकता है? ही टेक्स द बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग अगेन, बी ही टेक्स द बर्थ अमंग दोज एंगेज इन द फ्रुटिटिव एक्टिविटीज, सी ही टेक्स बर्थ इन द एनिमल किंगडम, नन ऑफ दिस। आप क्या कहते हैं? ए और सी। तमोगुण में मर गया वो, क्या हो जाएगा उसका? अधोगति होगी। हाँ तो क्या विद्वानगण में आया होगा। व्हाट इज योर आंसर? सी आपका, आपका ए और सी। ए और सी ऑप्शन नहीं है तो एक ही सी। ए आपका ब्रो जी, सी आपका, आपका। हमारे ऑनलाइन मित्र क्या कह रहे हैं? नील प्रभु इज सेइंग सी, हेमंत जी सेइंग सी। सो एब्सोल्युटली, सो दोज हु आर इन द मोड ऑफ तमोगुणा एंड इफ यू डाई इन द मोड ऑफ तमोगुणा यू विल गेट, सपोज यू डाई इन द स्लीप, यू आर इन डीप स्लीप, चले गए नीचे की तरफ। हाँ, इसलिए जो भगवान के भक्त है वो प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले हैं कि हम ऐसे आपके सामने रहे, बस इतनी हमारी प्रार्थना है और कुछ हमारी कोई इच्छा नहीं है। इसलिए ज्यादा सोना ये भी एक डेंजरस है, क्योंकि सोते सोते मर गए तो जाना पड़ेगा नीचे। अगर हम भगवान का नाम लेते हुए सो गए और उसके बाद, लेकिन वो नींद में भी भगवान का नाम आना चाहिए। अगर नींद में क्या होता है, हमारी दुनिया अलग हो जाती है। आपने एक बार बोला था मतलब हो सकता है, लेकिन आपका वो ऐसा पूरा दिन का दिनचर्या के ऊपर है ना। अगर आप सोते वक्त हरे कृष्ण बोल दिया लेकिन पूरे दिन भर आपने पाप किया है तो रात में भी फिर वही आएगा। कॉन्शियसनेस इज डेवलप बाय योर एक्टिविटीज थ्रू आउट द डे, ड्रीम्स आर नथिंग बट योर एक्टिविटीज। सो नेक्स्ट थिंग इज, हाउ कैन अ पर्सन इन द मोड ऑफ पैशन और इग्नोरेंस राइज टू द लेवल ऑफ गुडनेस? Being austere, being kind to others, being a good listener, being Krishna conscious. अगर आप passion और ignorance में है और आपको goodness की तरफ जाना है तो कैसे आप जाएंगे? आपका क्या answer है? From passion to ignorance to goodness, क्या कहेंगे आप? आपका क्या? डी आपका कैसे? डी कैसे समझाएंगे आप? सो देन यू विल गो टू द प्योर गुडनेस। देन हमारे ऑनलाइन मित्र क्या कर रहे हैं? डी कह रहे हैं, हमारे ऑनलाइन मित्र भी डी कह रहे हैं। सो एब्सोल्युटली द राइट आंसर इज कृष्ण कॉन्शियसनेस, बिकॉज यू नो भगवान की भक्ति एक ऐसा रास्ता है, सिंपल सा रास्ता है कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तपस्या करने की, फिर ये सब उसमें इन्वॉल्व है, सब कुछ भक्ति में सब कुछ डाला हुआ है। भक्ति एक ऐसा मिश्रण है जिसमें सब कुछ आ जाता है। इसलिए इजिएस्ट वे टू गो टू द गुडनेस और प्योर गुडनेस इज टू भक्ति, नथिंग एल्स। इफ यू ट्राई टू डू ऑस्टेरिटी बाय योरसेल्फ देन यू विल गेट बोर्ड विद ऑस्टेरिटी। आप बोलेंगे कि रोज सुबह 4 बजे उठूंगा, तो क्या रोज सुबह उठना है, कुछ काम नहीं कुछ नहीं। लेकिन अगर आप भक्ति के लिए उठेंगे तो एक आपका एम बन जाएगा कि रोज भगवान की 16 राउंड्स करने हैं मुझे, भगवत गीता पढ़नी है, तो मैं तो आपके पास टारगेट है अभी, है ना, भक्ति है, तो दैट्स इजी, राइट। देन दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हाउ कैन वन बी फ्रीड फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर? बाय चैंटिंग द मंत्रास, बाय चैंटिंग द वैदिक हिम्स, बाय practicing devotional service in Krishna consciousness, both A and B, none of this. हाँ B, आपका क्या कहना? B, आपका क्या कहना? C, आपका C है। हमारे ऑनलाइन मित्र क्या कह रहे हैं? हेमंत जी, नील प्रभु इज सेइंग C, हेमंत जी सेइंग C, आपका क्या कहना है प्रभु जी? C, आपका सी वहां पे। तो इसका सही आंसर है बी, क्योंकि भक्ति में मंत्र भी आ जाते हैं, भक्ति में सब कुछ आ जाता है,
हाँ भगवान की भक्ति में मंत्र भी आते हैं ना, जो सेपरेट वैदिक हिम्स यानी ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस का है। वैदिक मंत्र का उच्चार करना, चार वेद का उच्चार करना, ऋग्वेद सामवेद अथर्ववेद यजुर्वेद, जरूरत नहीं है। जब आप भक्ति कर रहे हैं तो सभी वेद उसमें ही आ जाते हैं। वेदेश्च सर्व अहमेव वेद्यो, भगवान कहते हैं वेद का भी सब कुछ सार मेरे में ही है ना, इसलिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवान की भक्ति करिए तो सब कुछ आ जाएगा। इसके साथ ही अभी हम आरती करेंगे तो हमारे सच्ची प्रभु हरे कृष्णा, आइए आरती करते हैं। तो हम आरती करेंगे तो हमारे जो ऑनलाइन मित्र हैं जुड़े रहिएगा हमारे साथ, विल जस्ट डू द आरती। अनिल प्रभु, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कीप योर क्वेश्चंस रेडी एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट एज़ सून एज़ वी आर डन विद आरती। वहां से उनको ऊपर से कुछ मीटिंग चल रही है तो बुला लीजिए। नमः विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने Bye.
Sadhi, 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 Sadhi,
Hare Krishna.
Thank you.
श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। मथुरा धाम की जय। वृंदावन धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरी टू असेंबली बॉडी हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरी टू असेंबली बॉडी हरे कृष्ण। All the glories of Sambhu Devi Hare Krishna, all glories of Shri Guru Durang, all the time, go to Prima Nde. Thank you, let's sing Prashadam prayer. Mahaprashade Govinde, Namo Brahmane Vaishnave, Swalpa Punyavatan Rajan, Vishwaso Naiva Jayate, Sharira Vidyaja, Jadendriya Tahika, Jiva Pile Vishai Sagare, Taramate Jivayate, ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण मनोदया माए कोरी बार जीव जा स्वप्रसाद दिलवाए से अनामृत पाए राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे दा को चैतनिताय जय नि माय जय नि ताय की जय शंकरपाद हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी। सो वी लेट्स टेक प्रसादम। जस्ट अपकमिंग फेस्टिवल्स व्हिच विल बी ऑल फेस्टिवल्स विल बी वर्चुअल दिस ईयर। नो मोर बिग सेलिब्रेशंस बट जस्ट टू रिमाइंड एवरीबॉडी On 3rd of August, which is Monday, we will have a Balram Jayanti or Raksha Bandhan. Then we have Krishna Janmashtami on 11th of August, which is Tuesday. Then Srila Prabhupada's appearance day on 12th of August, which is Wednesday.
Then we have Ganesh Chaturthi coming up on August 21st, which is Saturday, and Radhashtami coming up on 25th of August, Tuesday. So one of the biggest festival, as every year we celebrate, is Janmashtami. And Janmashtami will be virtual celebrations. We'll have a kirtan, Krishna Katha, some quiz, Abhishek ceremony, Aarti, Prasadam. And we might encourage, if anybody wants to dance, then virtually they can dance and be part of it. So it's going to be a virtual festival on 11th of August, Janmashtami, 9 p.m. Thank you, everybody. Please take prasadam. Now I have a question from Hemanji here. Hemanji is asking a question. What is the one single book I should have that covers the basics of only what is taught today? Hemanji, is Bhagavad Gita chapter number 14. If you have Bhagavad Gita, you can read that. It will give you all the details what we have talked. But if you have any questions, you can email me and we can talk about it. Or you can call me also. You have my phone number. Thank you so much. Please take prasadam. Aiye, sab log prasad dijiye. Thank you, Hemanji. Does that help you, Hemanji? Does it answer your question? Bhagavad Gita, chapter number 14. Yes, thank you so much. Thank you, Neil Prabhu. Thank you, Hemanji. We'll see you again next Sunday. Hare Krishna. हरे कृष्ण कैसे हाँ काफी टाइम हो गया विकास जी आया पीछे शॉर्ट ट्रिप और शाम को फिर सैटरडे संडे में मौका मिला मैं जा ही आता अच्छा हो गया आप